हमारे बिहार में मुख्य रूप से कई सारे अरहर में कई सारी बीमारियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है उकठा। उकठा के अलावा कुछ फंगस या फफूंद से होने वाले लीफ स्पॉट भी बीमारी है, और इसके अलावा कुछ वायरल बीमारी भी है, यानी कि विषाणु जनित बीमारी। आइए हम लोग अपने प्लॉट पे देखते हैं कि किस तरह का बीमारी का क्या क्या लक्षण है और उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये पौधे को देखिए, इस पौधे को देखिए, ये बीमारी लगी हुई है, इसमें उकठा बीमारी है, जो कि जड़ में लगने वाली बीमारी है। जड़ में ये बीमारी होती है, जड़ में फफूंद जनित ये बीमारी है। और होता क्या है कि जड़ के थ्रू जो ऊपर में जो पानी का पानी ऊपर की ओर आता है, पानी के साथ साथ इसमें जो न्यूट्रिशन ऊपर आते हैं पौधों में, वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है और धीरे धीरे पौधे मर जाते हैं। तो ये एक जो बीमारी है, इसका कुछ एडवांस रूप भी आगे है। हम लोग यहाँ पे एक छोटे तौर पर एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं अलग अलग जीनोटाइप का, तो हम कुछ और इसके आगे का एडवांस स्टेज को आगे दिखाते हैं। आप लोग इधर आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पौधे हैं जो कि एकदम ऑलमोस्ट मर गए हैं, और ये इसमें सब विल्ट लगा हुआ है। ये जैसे आप देख सकते हैं, इस पौधे को देखिए, लगभग ये ख़त्म ही हो गया, इसमें कुछ और ग्रोथ है नहीं। हालांकि किसी में ये पार्शियल विल्टिंग भी कहते हैं कि पूरी तरह से पौधा मरता नहीं है। तो आप इसी के बगल वाला पौधा देखिए कि किसी तरह ये अभी जिया हुआ है, इसमें जड़ में आंशिक रूप से ये बीमारी लगी हुई है। तो अब इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उपाय को देख रहे हैं। एक नंबर तो बात यह है कि हम लोग यहाँ पे कई सारे जीनोटाइप्स को स्क्रीनिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि कौन सा प्रभेद इसमें बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो उसको फिर हम लोग ब्रीडिंग लाइन को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि जो किसानों के लिए लाभकारी ब्रीडिंग लाइन हो, उसको फिर हम लोग किसानों को वैरायटी के रूप में देंगे। तो एक है कि रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना, दूसरी बात है कि हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है। तो क्योंकि ये जड़ में लगने वाली बीमारी है, यानी कि मिट्टी के अंदर में है, तो हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। खेत को ठीक करने के लिए इसमें क्रॉप रोटेशन ज़रूर अपनाना चाहिए, फसल चक्र को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो फसल चक्र को अपना सकते हैं 3 से 4 साल के लिए। दूसरी नंबर में जो बात आती है कि अगर आपके खेत में किसान भाई लगातार देख रहे हैं कि ये बीमारी आती है, तो इसके साथ साथ ज्वार की खेती इसके साथ साथ कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, मतलब अरहर के साथ साथ ज्वार भी लगा करके कर सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी कई हद तक इसकी मतलब गिरावट आती है।